सो हाय गाइस, विद दिस साइड वाचिंग एडुकेटिव वीके। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनपस यूजी 2021, जो कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है, आज ही से इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। टाइम टेबल क्या रहेगा, क्या फी रहने वाला है, कैसे हम लोग को फिल करना है, किस किस बातों का ध्यान रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या इसका एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसे भर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छा से देखो, सब डाउट्स क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना कि आपको ऐसे ही अपडेट्स टाइम टू टाइम सारे एग्जाम्स का मिलता ही रहे। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा, यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। एडुकेटिव वीके के नाम से सर्च करके तो मिल जाएगा, आपको ऐसा अपडेट सबसे पहले वहाँ पर मिल जाता है। और कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, कुछ भी क्वेरी रहता है, तो मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, उसे भी फॉलो कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो आज से मीन्स 12th of March से लेकर के 15th of April तक खुला रहने वाला। तो अच्छा खासा आपको टाइम 1 month का मिल रहा है, टेंशन की बात नहीं है। जैसे WBJEE में दिया गया है, इसमें भी अच्छा खासा टाइम दिया गया है। उसके बाद करेक्शन की बात करें तो करेक्शन आपका 16th April से शुरू होगा और 18th April तक करेक्शन चलने वाला है, 2 दिन का करेक्शन जैसा WBJEE में था। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड आपका 29 जून को आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। तो टाइम अच्छा खासा बीच में चल जाएगा। ऐसा टाइम क्यों है यार, क्योंकि अभी इलेक्शन का आपको पता है, इलेक्शन का मामला चलने वाला है, तो इसलिए एडमिट कार्ड इलेक्शन के बाद ही आएगा, एग्जाम भी बाद में ही होगा। तो एग्जाम आपका 4 जुलाई को होने वाला है, जो कि अच्छा खासा आपको टाइम दे रहा है प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए, अगर आपको नर्सिंग वगैरह में आप इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए। तो अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफर होते हैं यार, वो होते हैं BSc नर्सिंग, BPT मींस फिजियोथेरेपी, BSLP, BMLT, BSc इन CCT क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, OTT ऑपरेशन थिएटर, PPPT, PA एंड BHA, ये सारे अलग अलग हैं, सारे ये पैरामेडिकल के BSc कोर्सेज हैं, ठीक है। इनका डिप्लोमा भी होता है, वो अलग चीज़ है। अभी हम लोग ये जो बात करते हैं, इसमें सारा बैचलर कोर्स है, मीन्स आप ग्रेजुएट होकर ही निकलोगे अगर आप यहाँ से करोगे तो। और यार अभी अपॉर्चुनिटीज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको पता ही है, हेल्थ केयर के मामले में इंडिया डेवलप कर रहा है, तो ये सब का डिमांड भी बढ़ रहा है समय समय में। और पैरामेडिकल का सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है, डॉक्टर से भी ज़्यादा, क्योंकि यार सबसे ज़्यादा काम तो पैरामेडिकल ही करते हैं, है ना, क्योंकि डॉक्टर्स तो रहते ही, पैरामेडिकल्स ज़्यादा रहते हैं। तो इनका मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छा है, अगर किसी को अपना जॉब सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ आगे जाके मुझे जॉब मिल जाए, तो वो अच्छा कर सकते हैं इसमें। तो इसका चलो यार हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, इसका एलिजिबिलिटी किस किस का क्या है। तो BSc नर्सिंग की बात करें तो PCB होना चाहिए, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले। बहुत सारे WBJEE वाले वीडियोस में कमेंट आ रहा था, भैया मेरा बायो है, मैं B Pharma दे सकता हूँ कि नहीं, तो वो तो दे सकते हैं यार, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे भी देना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कोई मैथ्स नहीं लेता है तो दे सकते हैं। और यहाँ पे BPT का भी सेम ही है। और ये बात बता दूं मैं, यहाँ पे 45% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप कैटेगरी वाइज किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 40% आपका एग्रीगेट मार्क्स 12 का होना चाहिए, जो कि बहुत ही मिनिमम है, होता ही है। उसके बाद बात करते थे BSLP, तो BSLP एक अलग टाइप का कोर्स है, इसमें आपका मीन्स कुछ लैंग्वेजेस वगैरह का रिगार्डिंग कुछ ये कोर्स रहता है। तो इसमें आपका जो एज लिमिट है इसमें थोड़ा सा कम है, ये 25 ईयर्स तक का एज लिमिट है। और इसमें एप्लीकेबल यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, ठीक है, PCB है, बट बायोलॉजी की जगह अगर आपके पास मैथ्स है, आपके पास CS है या कुछ भी है, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, बट मेनली बायोलॉजी और मैथ्स ही वाले रहते हैं, तो PCM वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए जनरल से हो तो, और अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% आपका होना चाहिए। अगर ये बात ध्यान रखना यार, काउंसलिंग में आपका टाइम में प्रॉब्लम होगा, अगर आप भर भी दोगे तो बाद में आपका कॉलेज मिलने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे। तो बाकी सब के लिए यार बहुत है ज़्यादा, 40 ईयर्स तक का है एज लिमिट, और रेस्ट आपको 50% एग्रीगेट चाहिए एंड 40% आपका अगर कैटेगरी बिलोंग करते हो तो। PCB, PCM कोई भी अप्लाई कर सकते हैं सब में, ये सब में तो PCB ही अप्लाई करेंगे, PCM के लिए बस एक ही है आपका जो BSLP है। तो आई होप आपका एलिजिबिलिटी सारा क्लियर हो चुका होगा, कैसे क्या करना है क्या नहीं, बातों का क्या ध्यान रखना यार फॉर्म भरते समय, किस किस बातों का ध्यान रखना। तो यहाँ पे यार मैं बात बता दूँ, यहाँ पे TFW नाम का चीज़ नहीं होता है, जो बच्चे जानते हैं WBJEE में मेरा वीडियोस देखे होंगे तो TFW के बारे में बताता ही हूँ कि क्या को करना क्या नहीं। तो यहाँ पे TFW नहीं होता है, वो सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए ही होता है। अब फिलअप प्रोसेस बात करें तो यहाँ डोमिसाइल आपको ध्यान देना है, सिर्फ डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल के हो तो वेस्ट बंगाल देना, बाकी सब वाले बाहर का देना। और डोमिसाइल के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है कि भैया A1 करें, A2 करें, B करें, क्या करें, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जल्दी से देख लेना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि डोमिसाइल क्या आपको भरना है,
क्या किसके लिए जरूरत पड़ेगा, कहाँ से बनेगा, कहाँ अप्लाई करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो देख लेना ठीक है। वो डब्ल्यू बी जेई के लिए मैंने बताया था, बट हो या डब्ल्यू बी जेई या जनपद हो, सब या डब्ल्यू बी जेई बी मीन्स वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस बोर्ड ही कराता है, तो सबका सेम ही होता है डॉक्स ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। और नेम, अपना नेम, पेरेंट्स का नेम बहुत अच्छा से फुलफिल करना, या करेक्शन के टाइम में सही कर सकते हो, बट अभी कोशिश करना कि अच्छा से करें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकता है काउंसलिंग में। कैटेगरी आप सही से रखोगे, अपना एस सी एस टी ओ बी सी ए ओ बी सी बी सब कुछ सही करना ठीक। उसके बाद 10+2 का डिटेल्स जो भी आप दोगे, अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग का दोगे, और अगर पास्ट हो तो पास्ट का दोगे, तो आपका पिन कोड वगैरह सब कुछ, एड्रेस वगैरह आपको देना पड़ेगा कॉलेज का मीन्स स्कूल का, जो भी आपका 10+2 का डिटेल्स है अच्छा से भरना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करना अच्छा से भरने का, मार्क्स वगैरह भी पूछा जाएगा तो भर देना। तो ये हो गया आपका सारा प्रोसेस कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान देना है, क्या नहीं। और फ़ी की बात कर ले यार, तो जैसा डब्ल्यू बी जेई में फ़ी था 500 फॉर दी जनरल्स एंड रेस्ट 400 रुपीज़ आपका ओ बी सी एस सी एस टी सबके लिए 400। तो ये आपका सब कुछ मैंने बताया जनपद के लिए। अब ऑनलाइन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट भैया, स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करें उसके बारे में जानना है। ऊपर आया बटन में आपको लिंक मिल रहा था, उसमें मैंने डब्ल्यू बी जेई का फॉर्म भर के दिखाया था। सेम फॉर्म आपको जनपद में भी मिलेगा, सेम डिटो फॉर्म मिलेगा, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। सिर्फ एक का अंतर है, यहाँ पे आपका TFW का जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, बाकी सब कुछ रहेगा। सो TFW आपका रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको सारा जैसा मैंने वहाँ पे बताया है वैसे ही सेम मिलने वाला है। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगता है तो वहाँ देख लेना। और वहाँ पे एक बोनस टिप आपके लिए होगा कि आपको जो फोटो और सिग्नेचर डालना है तो कैसे डालोगे, मीन्स आपका अगर साइज वगैरह का डिस्टर्बेंस है, ज़्यादा साइज है, कम साइज, कैसे करें, क्या करें, उसके बारे में भी उस वीडियो में मैंने बताया है, तो जरूर से देख लेना। ऊपर आई बटन में लिंक मिल रहा होगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म प्रोसेस WBJE का, तो देख लेना बहुत अच्छा से, आपको उसमें मैंने बताया, उससे आपको हेल्प मिलेगा बाकी सारे फॉर्म्स अगर फिल करोगे तो बाद में भी। तो आई होप आपको सारा डाउट्स क्लियर हो चुका है। मैंने नोटिफिकेशन बनाया कि आपको सारा अपडेट्स आपको मैं दे सकूं। आने वाले समय में आपको इस चैनल पे बहुत सारा अपडेट्स देखने को मिलेगा, और मैं 10+2 का जॉब्स अपडेट्स भी देता रहता हूं, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख दो, आपके लिए फ़ायदा का ही टॉपिक, आपके लिए कंटेंट मिलेगा। और कुछ चाहिए, कुछ डिमांडेबल वीडियो हो तो यार कमेंट किया कर, उसके बारे में बनेगा। और कुछ डाउट्स होता तो कमेंट करो और शेयर करो कि सबको ये बात पता चले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।